डेट बिना ब्रेक। डाउनलोड टक ऐप। ईरान, चीन और रूस ने शुक्रवार को हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में 4 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की। ईरान के साथ चीन और रूस का ये सैन्य अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका का ईरान से संबंध बुरे दौर से गुजर रहा है। बता दें कि अमेरिका ने पिछले साल मई में ईरान के साथ 2015 में हुए समझौते से खुद को अलग कर लिया था। परमाणु समझौते से पीछे हटने के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। इस संयुक्त नौसैन्य अभ्यास के वरिष्ठ सैन्य कमांडर गुलाम रजा तहानी ने कहा, वहीं इस अभ्यास से तीनों देशों की शक्ति का नया त्रिकोण समुद्र में दिखता नजर आ रहा है। कमांडर तहानी ने कहा कि इसकी मेजबानी कर पता चलता है कि इन देशों के साथ हमारे संबंध सार्थक बिंद पर पहुंच गए हैं और इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ सकता है। बता दें कि अमेरिका ने पिछले साल खुद को परमाणु समझौते से अलग करने के बाद तेहरान पर से हटाए गए प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की चेतावनी दी थी। वहीं ईरान के साथ इस परमाणु समझौते में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के अलावा चीन और रूस भी शामिल हैं।